नमस्कार। पार्षदी के चुनाव में ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट ओबीसी आयोग के लोग योगी आदित्यनाथ को सौंपने के लिए गए थे, लेकिन भैया ओबीसी की रिपोर्ट लेकर ये लोग नंगे पैर मुख्यमंत्री से मिलने क्यों पहुंचे थे? रिपोर्ट सही सही बन जाएगी और सही सही योगी आदित्यनाथ को सौंप देंगे तो नंगे पैर रिपोर्ट लेकर जाएंगे, ऐसी मन्नत तो इन लोगों ने माता रानी से मांगी नहीं होगी। तो फिर ओबीसी की रिपोर्ट लेकर पहुंचे इन लोगों के जूते किसने उतरवा दिए? ये भैया नंगे पैर हैं, ये भी नंगे पैर हैं, ये भी, और ये जो ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को सौंप रहे हैं ये तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और इनके पैर में भी जूता नहीं है। कोई बात नहीं, हो सकता है कि मुख्यमंत्री का आवास गंदा ना हो, पोछा लगाने वाले को मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए जूते उतार दिए होंगे, सब बड़े सफाई पसंद होंगे। लेकिन अरे भैया ये क्या, योगी आदित्यनाथ तो सैंडल पहनकर खड़े हैं और ये उनके बगल में खड़े बीजेपी सरकार के मंत्री एके शर्मा भी सैंडल पहनकर खड़े हैं, और ये भी देखिए उनके बगल में खड़े सरकारी मुख्य सचिव भी जूता पहनकर टाइट हैं, और उनके बगल में खड़े मुख्य सचिव नगर विकास अमृत अभिजात भी चमड़े के जूते पहनकर चश्मा लगाकर टाइट खड़े हैं, उनके बगल में भी सीएम के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल भी जूते पहनकर खड़े हैं। तस्वीर जो सामने आई, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं कमेटी के, वो नंगे पैर खड़े हैं और रिपोर्ट लेने वाले लोग जूता पहन करके खड़े हैं। तो वो जो भेदभाव समाजवादी पार्टी कहती भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछड़े और दलितों के साथ करती है, वो आज रिपोर्ट सौंपने वाली कमेटी में भी दिखाई दिया। भाजपा पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को समाजवाद पढ़ना चाहिए, समाजवाद का मूल पढ़ना चाहिए, कि जो समाजवाद का मूल है वो बराबरी है, भेदभाव नहीं। ओबीसी आयोग की कमेटी के जिन लोगों ने जूते नहीं पहने हैं, आयोग के अध्यक्ष पूर्व जस्टिस राम अवतार हैं, सदस्य चौब सिंह वर्मा हैं, महेंद्र कुमार हैं, ब्रजेश कुमार सोनी और संतोष कुमार विश्वकर्मा हैं। तो भैया पोछा लगाने वाले की मदद करने के चक्कर में बाकी लोगों ने जूता नहीं उतारा है, गंदगी का डर होता तो सब जूता उतार कर खड़े होते, सिर्फ ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट लेकर आए ही नंगे पैर खड़े हैं। गुरु मामला सफाई का नहीं है, अखिलेश यादव कहते हैं कि भेदभाव के कारण ओबीसी लोगों के जूते उतरवा दिए गए हैं। अखिलेश ने कहा कि जब मुख्यमंत्री खुद और उनके आसपास के लोग जूता पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे, पिछड़े दलित भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री पढ़ें, समाजवाद का मूल होता है बराबरी। अखिलेश यादव ने पहले भी योगी आदित्यनाथ पर भेदभाव का आरोप लगाया था। जब योगी पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे तो सीएम आवास में जाने से पहले उन्होंने गंगा जल से सीएम आवास धुलवाया था, क्योंकि उस घर में ओबीसी समाज से आने वाले जाति से यादव अखिलेश रहते थे। अब जूते उतरवाने का क्या मामला था और क्यों जूते उतरवाए, इस पर बीजेपी की तरफ से अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है। दोस्तों इसमें काम की खबर यह है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक प्रदेश में निकाय चुनाव पर फैसला लिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। आप ये खबर भारत एक सोच पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।